कुछ लोग दोस्तों कूप मंडू की तरह होते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत इस वीडियो में, और मैं मुरली वाले हौसला आ चुका हूँ दोस्तों। ये बिहार की पावन सरजमी है, यहाँ के लोगों को सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, बेजवानों को बचाने के लिए लगभग मैं जौनपुर सिटी से 300 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये जगह का नाम है गिद्धा, गिद्धा आरा भोजपुर। हाँ, आरा भोजपुर जी। अच्छा, आइए इधर आइए। तकरीबन ये दशहरा से इसमें गिरा हुआ है। अच्छा, और हम लोग इसको जानकारी हम लोग को मिला करीब ये दीपावली के समय। जी जी, तो उस समय से हम लोग परेशान थे कि कैसे इसको क्या किया जाए। इसको दूध भी देते थे, दूध भी हम लोग उन लोग को पिलाए हैं। लेकिन एक बार हम लोग दूसरे जगह भी फोन किए, लेकिन कोई इस पर एक्सेप्ट नहीं किया रेस्क्यू करने के लिए। जी जी। तो इन्होंने बताया कि मुरली वाले हौसला को, तो हुआ कि ठीक है उनको ही बुलाया जाए। जी जी। तो फिर आपका याद, आपको याद किया गया और आप यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, दिखाते हैं। चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपको पूरा लोकेशन बताया। चलिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर बहुत पूरी जगह है, और ये यहाँ पर इसको दोस्तों राइस मिल कहते हैं। ये राइस मिल का गोदाम डाला है उसके अंदर। दोस्तों, ये राइस मिल है, और ये थान जिसे कहते हैं उसकी ये बहुत बड़ी गोदाम है। आप देख सकते हैं इधर भी एक फाटक है, और इधर भी एक बगल में टंकी बनी हुई, इसी के अंदर दोस्तों साफ गिरा हुआ है काफी दिन से। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये टंकी है। अब आप लोग बताइए सर, ये टंकी किस प्रकार की टंकी है? ये धान का हौदी है। अच्छा, इसमें धान डलाता है जो प्लांट में जाता है। नीचे बिल है क्या? हाँ, बिल है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। मशीन गया होगा सांप को? नहीं नहीं, बाहर है, बाहर है। सांप को ना करेंगे तो दोस्तों, मैं उस स्थान पे आ चुका हूँ जहाँ पर इस प्रैक्टिकल कोबरा सांप ऑलरेडी आज लगभग कितने दिन से है सर यहाँ पे? डेढ़ महीने से है। इसको आप निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हटाते हैं, और इसी के अंदर सांप है। दोस्तों, ये हो गया एक सांप, इसे आप देख सकते हैं। ये बेजुबान है दोस्तों, इसका कौन है इस दुनिया में हमारे आपके अलावा? चलिए, अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अब आप ये देख सकते हैं दो सांप हो गए, और इसके अंदर दोस्तों एक मेढक भी मरा हुआ है, और एक सांप ये है। ये दोस्तों इसकी केचुली है, दिखाइए दोस्तों। ये काफी थका हुआ सांप है। बहुत सारा कमेंट आप लोग करते हैं वीडियो देख करके, तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत में इतनी दूर दूर तक मुझे जाना होता है, और दोस्तों उसी के साथ साथ खास करके थे इन बेजवानों को बचाने के लिए। दोस्तों, जब भी हम इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तभी जाकर ये किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये गुस्से में हमेशा रहता है। इसकी दोस्तों आप देख सकते हैं केचुली भी उतर चुकी है यहाँ पर। दोस्तों, ये सांप बाद में गिरा हुआ है, ये सांप पहले का गिरा है, क्योंकि ये कुछ थका हुआ सा लग रहा है हमें। दोस्तों, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, ये नर और मादा भी हो सकते हैं। इसके आप रख दीजिए क्या है। तो दोस्तों, ये बेजुबान है, इसको दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे फिठार के नाम से भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ये उड़ीसा में गोखुरा नाग के नाम से भी जानते हैं इसको, और पूरे भारत में साइंस इसको नाजा नाजा कहता है। बिहार के लोग इसको गेहूं सांप के नाम से क्या कहते हैं सर इसको? उसमें से आप देख के समझ सकते हैं। और एक चीज आप ये देखेंगे दोस्तों कि नर मादा ये दोनों हो भी सकते हैं, एक ब्राउन में है, एक थोड़ा ब्लैक में है। दोस्तों, मालिक ने इन्हें भी जीने का हक दिया है, हमारा आपका ये फर्ज है कि हमें आपको इसको बचाना चाहिए।
कुछ लोग दोस्तों कूप मंडूक की तरह होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, बाहर तो जा नहीं पाते और बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी रहती है। मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों अगर किसी को पीछे करना है तो मेहनत करके आगे जाओ, बोल करके नहीं। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में मैं जाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, अच्छा आप लोग ये बताइए सर, आप लोगों ने कभी सोचा था कि निकाल दिया जाएगा? कभी लगा था आपको? दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। ये 20 साल का अनुभव और एक अंदाज है इन बेजबानों को बचाने के लिए, एक मेरी टीम है और उसी के साथ ही काम होता है। चलिए सर अब बाहर निकालते हैं। दोस्तों ऐसा मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है, आप लोग घबराइए नहीं। सपोर्ट चाहिए सर आपको? सपोर्ट सिर्फ सर लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए सर बाहर दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है लोगों को जागरूक करना, दूर दूर जाकर के लोगों को जागरूक करना दोस्तों, ऐसे बेजबानों को भी बचाना। और एक निवेदन है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत से अंधविश्वास ने हमारे भारत को जकड़ के रखा है। सांप के बाइट करने के बाद दोस्तों लोग चले जाते हैं झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में, जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। कपा के थी सर, तो दोस्तों इस तरीके से इन बेजवानों को बचाने के लिए टीम काम करती है दूर दूर जा करके भी। आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर को ही मैं अपने सब्सक्राइब को अनहाइड करूंगा और आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया दोस्तों बेजवानों को बचाने के साथ साथ बिहार में आए और यहाँ के लोगों को भी मैं थोड़ा सा जागरूक किया कि जब भी अगर कोई सांप काटता है तो आप लोग हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि बहुत से अंधविश्वास के चक्कर में जब भी ये सांप काटता है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर है, लोग झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को सेफ करना है ना सर, उतनी दूर से आने का आखिर क्या मकसद। तो ये हो गया दोस्तों, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं बेजवान को बचाने के लिए। मुरली वाले हौसला ऐप को याद किए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में बेजवानों को बचाते बचाते। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।